हेलो मायरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत, आपने इस वक्त फोन किया? वो असल में मुझे आंटी की तबीयत पूछनी थी, वो भी सोच रही होंगी कि फिर पूछा ही नहीं। यहाँ और बहुत कुछ है सोचने को। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, शामिर, अगर आप बुरा ना माने तो एक काम कह सकती हूँ आपसे। जी जी बोले। हाँ वो आप मेरी कहीं जॉब लगवा सकते हैं? मायरा जी, आप बस मुझे अपनी सीवी दे दें, फिर मैं आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको जॉब सजेस्ट करूंगा। वो सीवी तो नहीं है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैं आपकी सीवी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे घर मत आइएगा। वो भाभी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, आप मुझे वहां दे दीजिएगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। आपके तो बीए में बहुत अच्छे नंबर आए, आपने कभी जॉब किया? आई मीन कोई एक्सपीरियंस? अच्छा, नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है। आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? आपका तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता आराम से। अच्छा, दरअसल मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है। जितनी दफा मैं हार चुकी हूँ उसके बाद तो मैंने कुछ आने ही छोड़ दिया। प्लीज मेरी कोई जॉब लगवा दें। यकीन माने, मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। फिक्र मत करो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, आपके काम आकर मुझे दिली खुशी होगी। आपके भाई को पता है कि आप जॉब करना चाहते हैं? भाई को तो सिर्फ भाभी से मतलब है, मुझसे और अम्मी से तो सिर्फ उनका नाम का रिश्ता है। मैं जॉब करूं, धक्के खाती फिरूं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो जो हैं जैसे भी, मैं तो मेरे भाई ही। दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, ये जॉब मैं उनके इलाज के लिए करना चाहती हूँ। आप एक बहुत अच्छी बेटी हैं, और मकसद अगर नेक हो तो कामयाबी आसान हो जाती है। आपको बहुत जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। शामिर साहब, बस जल्द से जल्द इस जॉब का कुछ करवा दें। साहब, आप मुझे शामिर ही रहने दें, और मुझे ये बताएं कि आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। दरअसल अम्मी जा गई होंगी ना, मैं घर पे नहीं मिलूंगी तो परेशान होंगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनिए, मैं आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.